गाइस, मेरा नाम संतोष कुमार सिंह है। फिटनेस इज एवरीथिंग, मेरा चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने वर्कआउट के बारे में आप लोग को बताया था, आज हम आपको इस वीडियो में आपको डाइट के बारे में बताएंगे। जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि फिटनेस में क्या डाइट लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से वीडियो है, क्योंकि किसी कुछ पता नहीं होता है, वर्कआउट करते हैं और इंजर्ड हो जाते हैं और पेन भी होता है शरीर में और जिम जो है नहीं जाते हैं। अगर एक आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपको पेन नहीं होगा, आपकी मसल्स भी रिकवरी होगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ और ये बता रहा हूँ, सबसे पहले दो तरह का टाइम होता है। एक ईयरली में मॉर्निंग में है टाइम, और एक जो है इवनिंग में टाइम है। थोड़ा सा आगे पीछे आदमी टाइमिंग होता है। मॉर्निंग में आपको क्या लेना चाहिए वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ईयरली मॉर्निंग उठते हैं तो मसल्स गेन की डाइट है। सबसे पहले ईयरली मॉर्निंग जो उठेंगे तो वो उसमें जो है मिल्क, और उसमें जो है बादाम काजू डालेंगे, दो चार जो है एक वाइट डालेंगे उसमें। तो आपको ज़्यादा उसमें ये करेंगे तो डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए कम से कम आपको जो है थोड़ा सा टाइमिंग जो है अपना करना पड़ेगा। वर्कआउट जाने से पहले ग्लूकोज चाहिए। उसमें क्या है कि ग्लूकोज लेके अगर आप करते हैं तो ठीक आपके लिए रहेगा। और दो बॉयल जो है आलू, उसमें जो है आधा घंटा पहले आपको खाना है। जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो उसमें इसमें क्या करना है कि आपको बॉडी के लिए मतलब जो वर्कआउट जो करते हैं उसमें बेटर रहता है। 5 ग्राम ग्लूकोज, और उसमें जो है एक बोतल में अपना भर करके और मिला करके जब भी है तो उसमें जो है एक घूंट ले सकते हैं, और अपनी एक्सरसाइज वर्कआउट जो करते हैं उसमें आपके लिए बेटर रहता है वो। और जो है वो ग्लूकोज इसलिए है कि आपके लिए जो है एनर्जी जो है बनाता है, जो कि आदमी को थकान होता है जिसमें आपको एनर्जी को बढ़ाता है। आप डाइट से प्रोटीन लोगे जिसमें आप नॉनवेज तो कम से कम 4 से 5 जो है एग्स ले सकते हैं। आप अगर वेजिटेरियन हो तो पनीर ले सकते हैं। फिर आपको 2 हॉर्स के बाद थोड़ी सब्जी, फिर बॉयल जो है दाल ले सकते हैं, और जो है 4 चपाती ले सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है। और शाम के समय में जो है आपको कम से कम जो खाना खाते हैं तो गर्म जो है खाना आदमी खा करके सो जाता है, जिससे क्या है कि आदमी को नुकसान होता है, ठीक है ना। उसमें जो है आदमी को टहलना जो है चाहिए थोड़ा बहुत, ये नहीं कि खा के और सो गए तो आपके लिए नुकसानदायक होता है। आप जो है जूस भी ले सकते हैं इवनिंग टाइम में, और मौसमी जो है आपके लिए बेटर रहता है। जो आदमी एक्सरसाइज करता है उसके लिए मौसमी जो बेटर रहता है। जब हम खाना खाते हैं सो जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो शरीर का सर्कुलेशन करना बंद हो जाता है, तो इसलिए अगर खाना खाते हैं तो थोड़ा सा टहल लेना चाहिए।
और शरीर को जो है आपको पूरा सर्कुलेशन चलने के लिए हैवी डाइट कभी भी नहीं लेना है। आप जो है चिकन जो है ले सकते हैं, जिसमें है कि आपके लिए बेटर रहेगा वो। और शाम को सोते समय कम से कम 1 गिलास दूध जो है बिल्कुल ज़रूरी है। दूध में जो है कैल्शियम होता है, जो कि आपके प्रोटीन जो है जो कमी है उसको पूरा करता है। और सबसे पहले एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी जो है जॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगा। रात को सोते समय एक जो है आपको मल्टीविटामिन लेना है, कोई भी हुआ, रिविटल वगैरह कोई भी ले सकते हैं आप। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिटनेस इज एवरीथिंग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपका और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे जो बॉक्स है उसमें आप कर सकते हैं, जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आपको उसको देखूंगा और आपको सुझाव को जो है दूसरा वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों।